हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, अंडरस्टैंडिंग शेप्स इंक्लूडिंग पॉलीगन्स। देखिए, अब ज्योमेट्री का हमारा पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ज्योमेट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग शेप्स, कि जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में समझेंगे। पॉलीगन्स हैं, उनके इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, वो पूरा कंसेप्ट डिटेल में सीखेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि शेप्स क्या हैं, पॉलीगन किसको कहते हैं, देन हमें इजी होगा चैप्टर को अंडरस्टैंड करना और अपनी एक्सरसाइज के सम्स को भी सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है हमारी बुक में हमें क्या दिया हुआ है, कि कुछ उन्होंने फिगर्स को ड्रॉ किया है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं ड्रॉ की हुई ऑन अ प्लेन। एक प्लेन शीट पे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की हैं। इन सारी शेप्स को मैथ्स में हम बोलते हैं कर्व। डे टू डे लाइफ में नहीं होता कर्व। मीन्स जैसे हमने ये बना दिया, इसी को हम कर्व बोलेंगे। सर्कल भी कर्व से कंप्लीट हुआ, ये भी आपको कर्व की तरह लग रहा, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। पर आप देखिए, हमें क्या दिया हुआ है बुक में भी, कि इन अ डे टू डे लाइफ द वर्ड कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट। डे टू डे लाइफ में कर्व मीन्स स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन को ही हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, एंड कर्व जो ऐसी लाइन्स हैं। हाउ एवर इन मैथमेटिक्स अ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व। मैथमेटिक्स में हम स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोलते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, कर्व की। कोई क्लोज्ड कर्व है, कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और ओपन कर्व भी है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आती है ओपन कर्व, क्लोज। थ्री टाइप्स की कर्व्स हम करेंगे, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व, जो कर्व क्लोज नहीं हुई, जैसे देखिए ये ओपन रहेगी, अगर यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आ जाती देन ये क्या हो जाती, कंप्लीट क्लोज हो जाती, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल में सर्कल पूरा क्लोज हो गया, जैसे एक पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पे एंड हो गया, ये फिगर भी क्लोज हो गई और ये फिगर भी क्लोज है। तो ये होती है क्लोज्ड कर्व एंड ये है ओपन कर्व, जो क्लोज नहीं हुई। देन सिंपल क्लोज्ड कर्व, अब इसमें देखिए, अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट ऑफ इट मोर देन वंस। इट मीन्स वन टाइम पे ही इसको पास करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई, तो इस पॉइंट को अगर पास भी करेगी, हम थोड़ा आगे इसको एक्सटेंड करें तो इसी पॉइंट पे पास करेगी, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड। ये भी ऐसे होगा और ऐसे, कोई भी आप ऐसी क्लोज कर्व बनाएं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसी पे एंड हो रही है और एक ही बार पास करेगी उस लाइन को। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने बनाया ऐसे, अब यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एक बार फिर से उसको कट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रही है, फिर यहाँ जाके मीट करेगी। तो ये क्लोज कर्व तो है, पर ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखने, जब भी आपकी कोई भी क्लोज कर्व बनेगी, वो अपने वो जो हमारी वो कर्व है, जैसे क्लोज कर्व है तो उसको हमने ड्रॉ किया एक प्लेन पेपर पे, तो वो प्लेन पेपर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक इंटीरियर, देन बाउंड्री पे जो हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं, देन एक्सटीरियर। तो जितने पॉइंट्स अंदर हैं, जैसे P1, P2, P3, ये सारे इंटीरियर ऑफ द कर्व हैं, देन Q1, Q2, Q3 ये बाउंड्री पे हैं, एंड देन एक्सटीरियर R1, R2, R3। तो ये कहाँ आ गए, एक्सटीरियर थ्री पॉइंट्स में कवर करती है द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री, इज कॉल्ड रीजन। बाउंड्री एंड इंटीरियर, इसको हम बोलते हैं रीजन। अब हम समझेंगे, हमने इंट्रोडक्शन कर ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व समझ लिया, ओपन कर्व, क्लोज कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व। अब हमें सीखना है कि पॉलीगन क्या होते हैं। इट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। देखिए, जैसे AG इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अनदर लाइन सेगमेंट, देन BC, CD, EF एंड डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स जब मिल जाती हैं, क्या बना देते हैं, पॉलीगन। ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलीगन, रिक्टेंगल, योर क्वाड्रिलेटर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ऑक्टागन, ऑल आर पॉलीगन्स। कोई भी लाइन सेगमेंट जब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती हैं एंड टू एंड, देखिए द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन इंटरसेक्ट ओनली एट
एंड पॉइंट्स, अपने एंड पॉइंट्स पे मीट करती हैं एंड ईच एंड पॉइंट इज शेयर्ड बाय ओनली टू लाइन सेगमेंट। एक एंड पॉइंट के सिर्फ टू ही लाइन सेगमेंट होंगे। कैसे? जैसे ये ए हमारा एक एंड पॉइंट है, इससे एक लाइन सेगमेंट ए भी बन रही है, सेकेंड लाइन सेगमेंट इज ए जी। देर इज नो अदर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ए। अगेन जी को देखने, जी इज द एंड पॉइंट, जी ए इज वन लाइन सेगमेंट, जी एफ इज द अनदर लाइन सेगमेंट। अगेन कोई और लाइन सेगमेंट नहीं है। बट इन दिस फिगर इफ बी इज द एंड पॉइंट देन कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? पी बी इज द वन लाइन सेगमेंट, पी ए, पी डी एंड पी सी। सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। इससे एक ही पॉइंट से फोर फोर लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं। अब यहाँ पे देखिए ए एंड पॉइंट है, वन लाइन सेगमेंट टू एंड थ्री, से थ्री लाइन सेगमेंट्स बन रही है। अगेन ये भी एक पॉलीगन नहीं है, ये तो पॉलीगन है ही नहीं बिकॉज ये फिगर क्लोज ही नहीं है। पॉलीगन एक क्लोज फिगर ही होती है। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि पॉलीगन क्या होते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द सेगमेंट्स विच मेकअप अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे? साइड ए जी, ए बी, बी सी, ऑल आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड वर्टिसेस। ये होते हैं आपके वर्टिसेस, सारे के सारे आपके लाइन सेगमेंट पॉलीगन के क्या हैं? वर्टिसेस। चलिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स की टाइप्स भी कर लेते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन हेयर। जैसे साइड्स, अगर थ्री साइड्स हैं, ट्राइंगल, फोर साइड, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेज़ियम सब आ जाएंगे। पेंटागन की फाइव साइड, हेक्सागन की सिक्स, ऑक्टागन की एट, डेकागन की टेन एंड सो ऑन। ये हो गए आपके पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स। अब हम देखेंगे पॉलीगन्स के टाइप्स। टू टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। ये होते हैं इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने पॉलीगन्स के नेम दिए अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब जो एंगल के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के हैं ओनली, कन्वेक्स एंड कनकेव। और ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंगल मार्क किए हैं, जितने भी आपके एंगल, इफ ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए इट इज लेस देन 180। सपोज आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, देन जाके 180 कंप्लीट होगा। ये तो 180 से काफ़ी स्मॉल था। तो सारे के सारे एंगल, ईच एंड एवरी एंगल लेस देन 180 देन द पॉलीगन इज कन्वेक्स पॉलीगन। एंड फॉर द कनकेव पॉलीगन इफ एटलीस्ट वन, ओनली वन इंटरनल एंगल, वन इंटीरियर एंगल ही 180 से मोर देन हो, देन वी कॉल इट अ कनकेव पॉलीगन। सी दिस फिगर, यहाँ पे ये एंगल क्या है? 180 से छोटे हैं, ये भी स्मॉलर है 180 से, ये भी एंड ये भी, बट दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180। हाउ वी नो डैट? देन अगेन यू कैन ड्रॉ द लाइन। यहाँ सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन पे यही 180 कंप्लीट हो जाना है, बट इज मोर देन 180। सो दिस इज कनकेव पॉलीगन। बस आपको यही याद रखना है अच्छे से। देन अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको भी याद रखना है। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस मीन्स दिस, ए टू ई, जैसे ये कॉन्सिक्यूटिव है ए से बी, जो साथ साथ में है, ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड डायगनल। जैसे ए से हम डी को ज्वाइन कर दें ए से सी को, जहाँ बी से ई को ज्वाइन कर दें बी से डी को, तो ये क्या होंगे? डायगनल्स होंगे। देन अब हमें फाइंड करना है कि किसी भी एंगल, जैसे हमारे पास ये देखिए फोर साइड है, फाइव साइड है, सिक्स साइड, एट साइड फिगर, ऐसे कोई भी हमारे पास पॉलीगन दिया हो सकता है। थ्री साइड, फोर साइड, कितने सारे पॉलीगन्स हो सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, की पॉलीगन की जैसे फोर एंगल्स हैं इनका क्या सम है, फाइव एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी आप बोल सकते हो ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड। एन साइड मीन कितने भी साइड, फोर साइड, फाइव साइड, सिक्स साइड, तो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो, टू एन माइनस फोर इंटू 90। तो टू एन माइनस एन मीन्स नंबर ऑफ साइड, n माइनस टू इंटू 180, टू एन माइनस फोर इंटू 90, बहुत फॉर्मूलाज आर करेक्ट। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे पास किसी भी फिगर के, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड हो जाएगा। अभी हम सारा एक्सरसाइज में प्रैक्टिस भी करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन।
तो आपको याद रखना है किसी भी पॉलीगन के, चाहे उसके फाइव साइड्स हैं, सिक्स साइड्स हैं, सेवन साइड्स हैं, फोर साइड्स हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 16A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मल्टीपल चॉइस टाइप। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 में फर्स्ट 16A क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस टाइप, द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर, एंड एक्स वाई जेड आर सारे के सारे हमारे इस फिगर के एक्सटीरियर एंगल है। देखिए इंटीरियर एंगल होते हैं जो आपको अंदर दिए हैं, ये इंटीरियर है, बाकी सारे एक्सटीरियर हैं। हाउ मेनी साइड्स इन दिस फिगर हैज, 1 2 3 4, तो इस पॉलीगन में 4 साइड्स हैं, तो हमें एक्सटीरियर एंगल, और ये सारे तो एक्सटीरियर हैं, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लिख नहीं रहे हैं, तो आप अगर MCQ सीधा मार्क भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करना भी सिखा रही हूँ। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 2-3 मार्क्स में आ जाए जिसमें हमें डिटेल में बताना है कि हमें एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करके दिखाना है, ईच एंड एवरी एंगल फाइंड भी करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपके पास इस फिगर में कितने एंगल्स हैं, 1 2 3, ये एंगल हमें नहीं गिवन, तो हम इस एंगल का नेम रख लेते हैं एंगल 1। तो हमें पता है सबसे पहले जो भी आप देखिए जो हमारी ट्रायंगल होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल, जहाँ हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ये एक क्वाड्रिलेटर है क्योंकि देखिए इसकी 4 साइड्स हैं, या मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n-2 × 180 डिग्री, सीधा 360 डिग्री लिख सकते हैं मैं, बट आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड, 4 साइड्स हैं, देन 2 × 180, 4 में से 2 गए 2, आपका आंसर आ गया 360 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल्स का सम आ गया। अब इंटीरियर एंगल में क्या क्या है, 1 + 80 + 75 + 65 किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। हमने अभी अभी फाइंड किया कि जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना है, 360 डिग्री, किसका, 4 साइडेड फिगर का। जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर आएगा आपको उसके एंगल्स का सम कितना लिखना है, इंटीरियर एंगल का 360 डिग्री। हमें एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सबको कर देते हैं ऐड, सबको ऐड करके आ गया 220। अब सिंपली आपको एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 में से 220 को कर देना है माइनस, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 140 डिग्री। तो हमने ये भी एंगल फाइंड कर लिया 140 डिग्री। अब हमें एक्स वाई जेड एंड आर एंगल फाइंड करने हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें आपका ये जो एक्स है और 65 है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मींस जब टू एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल बना देते हैं, देन उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से 65 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 115। ऐसे ही वाई प्लस एंगल 1 उसकी वैल्यू क्या आई है, 140, अगेन 180 के इक्वल, और यहाँ भी आपको सेम ही लिखना है लीनियर पेयर। तो वाई की वैल्यू आ गई 180 - 140, दैट इज 40 डिग्री, देन जेड प्लस 80 इज इक्वल टू 180, सेम आपको लीनियर पेयर लिख देना है। जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू तो फाइंड करनी है, देन 180 में से 80 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास Z की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, Z की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। अब हमें देखिए R की वैल्यू फाइंड करनी है, R प्लस 75 अगेन 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो R आ जाएगा आपके पास 180 - 75, R इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब हमें फाइंड करना था X प्लस Y प्लस जेड प्लस आर, सबकी वैल्यूज लिखते हैं,
सबसे पहले एक्स की वैल्यू आई 115, देन वाई की वैल्यू हमने फाइंड की 40, अब जेड की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की है 100, तो यहाँ लिख देते हैं 100 प्लस 105। सबको ऐड करके देखना है 360 डिग्री आ रहा है या नहीं। इन सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 360 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी आ गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से समझ आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:5:7:4। द लार्जेस्ट एंगल इज, हमें लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये एंगल्स इस रेशियो में दिए। तो पहले हम लेंगे लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 2x, 5x, 7x एंड 4x। हमने सारे के सारे एंगल ले लिए। अब आपको पता है बार बार हमें सम नहीं फाइंड करना। अगर हमें पता है कि जैसे ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटर्स के फोर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल्स क्या हैं, 2x + 5x, 7x + 4x। अब इन सबको ऐड कर देना है, किसके इक्वल कर देना है, 360 डिग्री के, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एंगल्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, 7, 5 + 2 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 4 = 18, 18x = 360 डिग्री, x = 360/18। देन यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, 18 1 18 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना था, लार्जेस्ट एंगल। तो आप देखिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। आप सारे के सारे एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं इसके लिए, बट सबसे बड़ा रेशो किस में आ रही है, 7 में ना, 2:5:7:4, तो एंगल भी वही बड़ा होगा। हम लिख देंगे 7 × x, देन 7 × 20 = 140 डिग्री, 7 × 2 = 14, 0 = 1, 40 डिग्री आ गया आपका आंसर। किसका, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द सेम रेशियो, और आंसर आ गया हमारा सी पार्ट। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए एंगल बी एंड डी आर गिवन। हमें पूछा था क्वाड्रिलेटर इज, क्वाड्रिलेटर क्या है, कनकेव कन्वेक्स राइट के दिस। अब ये जो सारे एंगल हैं ये तो एक्यूट एंगल है 180 से छोटे, बट हमें फोर्थ एंगल भी फाइंड करना होगा। सबसे पहले आप बोलोगे एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसमें आपके पास जो जो वैल्यूज हैं पुट कर देते हैं, एंगल ए की वैल्यू, देन बी, देन डी, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखिए मैं सारी वैल्यूज पुट कर ली ना, 1, 2, 3 एंगल्स की वैल्यू गिवन, उनको ऐड करके आ गया 160 डिग्री। 160 डिग्री 360 में से माइनस कर देते हैं, हमारे पास रह गया 200। अब 200 हमारा कौन सा एंगल है, 180 से ग्रेटर, तो हमारी जो क्वाड्रेटर है वो क्या बन गया, कनकेव। बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है हमारा। क्वाड्रेटर हमारा हो गया कनकेव पॉलीगन, जहाँ क्वाड्रेटर क्यों, क्योंकि इसके एक एंगल का सम मोर देन 180 डिग्री आ गया। इफ एक एंगल, ओनली वन एंगल का भी सम मोर देन 180 आ जाएगा, तो वो आपका पॉलीगन होगा, कनकेव पॉलीगन। पार्ट 4, इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंगल डी इज 40 डिग्री, एंगल सी इज 80 डिग्री, ए पी, ए पी इज अ लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट मीन्स ये टू इक्वल पार्ट्स में, जैसे एंगल ए है हमारा, एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन ए पी, एंड बी पी लाइन बाइसेक्ट द एंगल बी, अगेन एंगल बी को बी पी लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमें फाइंड करना है ए पी बी दिस एंगल। ये फिगर हमें बुक में ऑलरेडी दी है और ये हमारे 4 ऑप्शंस है। अब आपको देखना है हम सबको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको 2 एंगल्स पता है और ये दोनों एंगल्स हमें नहीं गिवन, हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर
angles of a quadrilateral is equal to, quadrilateral का क्या होता है 360 degree. तो अगर एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों एंगल्स को ऐड करें तो, वो एंगल्स को ऐड करें तो 360 degree आएगा. एंगल ए प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 80 degree एंड एंगल डी की वैल्यू है 40 degree. हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड. एंगल ए प्लस बी एज इट इज़ यहाँ आ गया आपके पास 120 degree देन 360. तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 degree माइनस 120 एंड हमारे पास एंगल ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई 240 degree. इन दोनों का सम आया है हमारे पास 240 degree. अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना है कि जो हमें पहले गिवन दिया था हम यहाँ पे कर लेते हैं. मैं बॉक्स में आपको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, आपको अब भी समझा देती हूँ. पहले आपने यही पार्ट सॉल्व करना है, देन उसके बाद हम ये करेंगे. हमें क्या गिवन था कि जो AP लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को. मीन ये दोनों एंगल इक्वल हैं. जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये एंगल, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एंगल क्या है हमारा हाफ. किसका हाफ, पूरे एंगल का. तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए. तो आप ऊपर लिख के रख सकते हैं कि जो PAB एंगल है दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए. ऐसे ही जैसे BP बाइसेक्ट कर रही है आपके एंगल बी को, तो PBA कौन सा एंगल है, PBA. हम यही एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में आएंगे. पूरा एंगल अपना, इसे पूरा एंगल है, दो इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसका एक पार्ट पूरे का हाफ होता है. तो हाफ ऑफ एंगल बी. अब देखिए इन ट्रायंगल APB, APB माई ट्रायंगल है, इसमें मैं कौन सा एंगल फाइंड करना है APB एंड बाकी एंगल कौन से हमारे पास PAB प्लस PBA. थ्री एंगल किसका सम फाइंड बनाएंगे 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का 180 degree. अब APB की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे. प्लस PAB की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए. प्लस PBA की प्लेस पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी. अब इसको हम क्यों फाइंड कर रहे हैं और क्यों ऐसे लिख रहे हैं, देखिए हमें एंगल ये फाइंड करना है, दोनों में हाफ है, हाफ आ गया कॉमन. यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 degree. APB प्लस हाफ मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी. एंगल ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 240 degree, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ गया 120. अब देखिए APB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 120. यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, देखिए प्लस का साइन है, APB के साथ प्लस हो रहा है. 180 के साथ जाके हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास APB एंगल जो हमें फाइंड करना था उसका आंसर आ गया 60 degree एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 60 degree. अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट. अब इसमें देखिए आपको क्या दिया है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम आपको दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 900 degree हमें दिए. फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का, एन माइनस टू इंटू 180 degree. ये किसके इक्वल है, सम के इक्वल. जो हमें फाइंड करना है वो ऑलरेडी गिवन है. फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का एन माइनस टू इंटू 180 degree, और सम हमें ऑलरेडी गिवन है तो हमने उसके इक्वल कर दिया. हमें फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ साइड्स. सबसे पहले आप देखिए 180 यहाँ पे हमारे पास एन माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. दूसरी साइड जाके जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 18 1 18 5 देन एन माइनस टू इज इक्वल टू 5. अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम कर देंगे राइट हैंड साइड प्लस, तो आपके पास वैल्यू आ गई एन की 7, 5 + 2 7. तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 7. ऑप्शन बी इज आर आंसर. अब हमने
इंट्रोडक्शन भी कर लिए अच्छे से डिटेल में 16A की, एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।